इनके ऊपर एंट्री एग्जिट मत करना कभी भी एंट्री एग्जिट हमेशा प्राइस पे ही होगी बट मार्केट की स्पीड देखो ऊपर जाने की तो ये मैं MACD में यूज करती हूं कि जब वो नीचे की नीचे से घूम जाए मतलब मंदी वाला सिग्नल तो मुझे लॉस को प्रोटेक्ट करना है प्रॉफिट तो आ ही जाएगा चैनल hey कुछ हफ्तों पहले हमने ज्योति बुद्या मैम के साथ टेक्निकल एनालिसिस पे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था और इससे आप सबको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली और क्योंकि अब आप सब हमारे यूट्यूब चैनल से हमसे कनेक्टेड हैं आप सब ने एक और वीडियो की डिमांड की ताकि हम ये टॉपिक कंटिन्यू कर सके सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेर वी लेफ्ट एंड कंटिन्यू आर डिस्कशन फॉरवर्ड लास्ट टाइम हमने आर मूविंग एवरेजिज़ और काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था इस सेशन में हम उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ साथ कुछ नए इंडिकेटर सीखेंगे अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको पार्ट वन भी देखना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कीजिए तो चलिए हमारा पार्ट टू शुरू करें हाय ज्योति मैम कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ और जब आप बुलाते तो और अच्छी हो जाती हो तो मैम लास्ट टाइम हमने एक टेक्निकल एनालिसिस पे पॉडकास्ट किया था जहाँ आपने काफ़ी सारे ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे मेरे और हमारे यूज़र्स के भी और काफ़ी डिमांड आई यूज़र्स की कि एक और एपिसोड करें जहाँ और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हम टच करें तो आ, हम हमने लास्ट टाइम मूविंग एवरेज़ के बारे में कुछ बातें की थी और आपने मुझे समझाया था कि वो चार्ट पे दिखता कैसा है बट अभी मैंने एम करके भी कुछ सुना है तो आप उसके बारे में बताइए बिल्कुल बताऊंगी एम का ही क्यों जितना तुम पूछोगे उतने बताऊंगी जितने हमारे व्यूअर्स पूछेंगे वो सब बताऊँगी जितना मैं सिखा सकती हूँ मैं सिखाने में कभी कंजूसी नहीं करती दैट्स ग्रेट मैम अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो चार्ट्स में पैटर्न्स में या और भी कोई क्वेरीज हो ज्योति मैम से तो हम नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मैं सब सिखाने की कोशिश करूँगी जितना मैं सिखा सकती हूँ कहीं कंजूसी नहीं करूँगी अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पर एम क्या होता है एम एस डी होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ओके तो ये कन्वर्जेंस क्या होता है जब दो पॉइंट मिलते हैं उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं जब दो पॉइंट दूर होते हैं उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं हाँ. तो यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स और ट्वेल्व ये दो डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं डेज के हिसाब से या वीक्स के हिसाब से मतलब जो टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हो जैसे अभी मैं अगर डे का चार्ट लेती हूँ तो ट्वेंटी सिक्स कैंडल्स ट्वेल्व कैंडल्स नाइन कैंडल्स तो इसको हम पीरियड भी बोलते हैं पीरियड बोलना आजकल इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि हम मंथली में भी देख सकते हैं वीकली में भी देख सकते हैं डेली में भी देख सकते हैं यहाँ कि वन मिनट में भी देख सकते हैं okay. हम कौन से टाइम फ्रेम को देख रहे हैं हम किस टाइम फ्रेम में इसको यूज okay. करना चाहते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है मतलब हम एक मिनट में अगर देख रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी मतलब वो नाइन मिनट्स है अच्छा okay. अगर मैं एक घंटे का ले रही हूँ तो दैट इज नाइन Nine trading hours. हु. उसमें मतलब जो ऐसा नहीं है कि छः घंटा मार्केट चल रहा है आठ घंटा चल रहा है उसके बाद ब्लैंक हो गया तो हम उसको भी गिन रहे नाइन कैंडल्स गिनेंगे मतलब नाइन ट्रेडिंग अवर्स ठीक है ओके okay? तो ट्वेंटी सिक्स और ट्वेल्व अभी जैसे मैं ये चार्ट है बैंक निफ्टी का ये वीडियो देखते टाइम आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने सारे चार्ट पैटर्न्स हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम कितने सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स भी हैं ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है और इसमें आपको एट प्लस आवर्स का प्योर लर्निंग कंटेंट भी मिलेगा जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इस कोर्स को चेकआउट कीजिए अब यहाँ पे मैं इसमें एक इंडिकेटर डालूंगी एम ए सी डी जो आपने डिमांड किया है मुझसे हुँ. और उसी के साथ आपको समझाते जाऊंगी तो आपको दिख रहा है कि ये इंडिकेटर आया है हाँ। अब सबसे पहला मेरा जो काम रहता है इंडिकेटर में जो मैं करती हूँ वो है कि ये लाइंस को थोड़ा थिक करती ओके okay. देखा कैसे हाँ। थिक हो गए हाँ। उसका रीजन है थिक करने का कि उभर के आती है हम्म मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको देखने के लिए एट अ ग्लांस दिखता है राइट right? अब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और मैं आपको दिख दिखाती हूँ इसके पैरामीटर्स इसमें है ट्वेल्व और ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेल्व और ट्वेंटी मैंने बताया कि पीरियड हो गया अब इसकी नाइन की सिग्नल है तो ये जो रेड कलर है ये सिग्नल लाइन है ओके अब ये जो ब्लू कलर है ये क्या है ये एम लाइन है अच्छा। ये कैसे बनती है ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेल्व ओके मेरे ख्याल से इतना फॉर्मूला ठीक है इससे ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएँ क्योंकि गूगल वगैरह पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा बस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेल्व आपको मूविंग एवरेज लाइक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइन मिल रही है ओके okay. और नाइन जो है वो आपकी सिग्नल लाइन है और इसके क्रॉसओवर पे सारे काम बनते हैं ठीक है ठीक है अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ऐसी लाइन है जो ध्यान से देखने पे समझ में आती है कि ये डिवाइडेड लाइन है जिसके नीचे रेड कलर के हिस्टोग्राम्स है और जिसके ऊपर ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम्स है तो ये जो जीरो लाइन है ये बेस लाइन है ओके okay. तो रेड कलर के हिस्टोग्राम से बेरिश जोन ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम है वो कहते हैं कि मार्केट इज एन बुलिश जोन तो इसको जनरली यूज कैसे करते हैं ये जो क्रॉसओवर्स होते हैं ना यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है जनरली तो आपको ये क्रॉसओवर्स जो भी दिखते हैं यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है ठीक है ये सब क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं आपको? हाँ। अब, क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं उस क्रॉसओवर के बाद आपको हिस्टोग्राम नीचे रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे हाँ दिख रहा है हाँ। और मार्केट जो है वो पॉजिटिव तो नहीं है नहीं ओके okay. अब मार्केट यहाँ से क्रॉसओवर लेके ग्रीन बार्स बन रहे हैं बट मार्केट की स्पीड देखो ऊपर जाने हाँ। की अभी ऐसा क्यों है वो मैं बताती हूं। पहले मैं बताती तो पहले समझा रही हूं। यहां पे वापस इसने क्रॉसओवर दिया। हाँ। और फिर रेड हुआ और रेड बार्स आ गए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम लाइन जीरो लाइन के नीचे चली गई हाँ राइट right? hmm. hmm. और उसके बाद की स्पीड देख लो यहाँ से जो क्रॉसओवर लेके वापस से ग्रीन हुआ है hmm. फिर देखिए अच्छा किस तरह से चल रहा है कैन यू सी यस यस अब यही देखा जाता है कि क्रॉसओवर के साथ में ये हिस्टोग्राम कैसा है जितने बड़े हिस्टोग्राम होंगे hmm. उतना ही उसमें इंटेंसिटी रहेगी ओके okay. या राइस की तो मतलब मैम ये जो एम नीचे क्रॉस ओवर हो रहा है तेज़ी से ज़ीरो के नीचे तो वो तेज़ी से मार्केट नीचे गिर रहा है उसका मतलब ये है। जी नहीं? बिल्कुल तेज़ी से गिर रहा है ये देखो आपको यहाँ से दिख रहा है ये ये देखिए मार्केट दिख रहा है हाँ फिर उसके बाद अच्छा आपको ऐसे नहीं दिखेगा तो चलिए हम आपके लिए एक और तरीका करते हैं अब हमने क्या किया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया हुँ. अब मुझे समझाने में इजी रहेगा ओके okay. राइट right? यहाँ पे आप क्या देख रहे हो नीचे आ रही है नीचे है। आ रही है लेकिन हिस्टोग्राम क्या है साइडवेज ही रहा साइडवेज रहा है मतलब हिस्टोग्राम कोई बड़ा छोटा बड़ा छोटा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है हाँ। और मार्केट भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है राइट अब यहाँ पे क्रॉसओवर दिया हाँ, अभी हिस्टोग्राम बड़ा दिख रहा है साइज में हाँ हाँ ऊपर भी गया अच्छे से देखिए सेम वे यहाँ पे जब इतनी दूर में हिस्टोग्राम छोटे छोटे हो गए आप यहाँ की मूवमेंट देख लो हाँ अब वापस यहाँ पे हिस्टोग्राम कम्पेरेटिवली बड़े हैं कंपेयर टू दिस सीधा और ये क्रॉसओवर है हाँ यहाँ से हम ये यह देखिए यहाँ से देखेंगे जो हमारा यहाँ पे आएगा और हिस्टोग्राम्स बड़े होते गए तो काफी तेज मूवमेंट आया है यस तो वो जो है इसको समझा जाता है ओके कि भाई हिस्टोग्राम की साइज के साथ में ओके सेम चीज यहाँ से ये यह ऊपर गया हाँ और साइज देखिए हिस्टोग्राम की हम्म तो और मूवमेंट देखो मार्केट का हम्म हाँ बहुत ऊपर गया राइट right? yes. इसको अगर मैं टॉप के साथ बनाऊ तो ये देखिए हाँ. और यहाँ पे रिवर्स कर गया यस yes, नीचे गया और इसमें मेरा फेवरेट कौन सा है, बताओ? बताओ जैसे MACD अभी नीचे आ रहा है राइट हाँ. right? लेकिन ये जीरो लाइन के नीचे नहीं आया और ऊपर से ही क्रॉसओवर दे दिया हाँ. मतलब बुलिश रेंज से ही इसने क्रॉसओवर दे दिया है. बुलिश की तरफ वो मुझे ज्यादा पसंद है कि बुलिश रेंज में ही बुलिश क्रॉसओवर दे देवे तो वो मुझे ज्यादा पसंद है उसमें स्पीड भी अच्छी मिलती है उसमें मेरा काम भी अच्छा होता है okay. और वैसे ही अगर बेरिश रेंज में बेरिश क्रॉसओवर दे दे तो उसमें मुझे डबल मजा आता है। <laughs> अच्छा। ये ये क्या हुआ है यहां पे बेरिश रेंज में बुलिश क्रॉसओवर दिया है हाँ. गलत वो भी नहीं है लेकिन अगर यहाँ पे मान लो बैरिश रेंज में ये ऐसे जाके फिर ऐसे होता आ, ना तो उसकी गिरने की स्पीड जो आती जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक हल्का सा दिख रहा है हम्म ये ऊपर जाके इसको टच करके वापस नीचे आया और ये देखो यहाँ की जो स्पीड है हाँ, रैट, रैट. तो बहुत तेजी से नीचे आया है, वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो ये मैं एमएस में यूज करती हूँ कि जब वो नीचे की नीचे से घूम जाए मतलब मंदी वाला सिग्नल नीचे की नीचे से घूम जाए और तेजी वाला सिग्नल ऊपर मतलब ऊपर की ऊपर से घूम जाए ऊपर हाँ। की तरफ ओके okay. वो मुझे ज्यादा पसंद आता है गॉट इट तो मैम एम को देखते हुए हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं देखो ये yes, मैं बहुत बार सबको बताती हूँ दीज आर सपोर्टिव टूल्स राइट अल्टीमेट एक्शन भाव भगवान है तो प्राइस जब तक मुझे इंडिकेट नहीं करेगा कि यहाँ पे बाय है कि सेल मैं एक्शन नहीं लेती अच्छा ठीक तो अभी जैसे मान लो यहाँ से ये यह घूमा और उसके पास में मुझे कहीं ओपन लो जैसा मिल जाए कॉन्सेप्ट या ब्रेकआउट जैसा कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट सेम वे अगर ये हुँ. डाउन की तरफ मूव कर रहा है तो मुझे क्या चाहिए ओपन हाई जैसी कोई कैंडल पास में मिल जाए है ना हा, हाँ सेम वे अगर जैसे यहाँ पे है मैंने बताया था ना अभी ये वाला yes. नीचे के नीचे घूम गया हाँ. इसके पास देखो सब ओपन है okay. तो जब तक वो नहीं मिलेगा ना हुँ. मैं नहीं करूंगी क्यों कि ये देखो गैप डाउन दिखा ओपन रोड दिखा अगर यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया होता तो मेरा एसएल हिट हो जाता हाँ. एस एल तो मैं रखती हूँ मैं कितनी भी राइट हो सकती हूँ लेकिन अगर मार्केट ने अपोजिट वर्क कर दिया मेरे अगेंस्ट में तो मेरी स्टडी कितनी भी राइट होगी लेकिन मुझे स्टॉप लॉस के लिए हमेशा तैयार रहना है बिकॉज प्रॉफिट सपना है और लॉस गारंटेड है हाँ। तो मुझे लॉस को प्रोटेक्ट करना है प्रॉफिट तो आ ही जाएगा ऐसा मुझे सिस्टम बनाना है अदरवाइज आज तक क्या होता आया है जो मैं लोगों से सुनती हूं कि प्रॉफिट फटाफट निकल जाते हैं लॉस में खड़े रह जाते हैं तो मैं क्या कहती हूं कि प्रॉफिट्स कंटिन्यू करो वो अपना है और लॉस जो है उसको खत्म करो गॉट इट समझ गई तो मैम एम ए सी डी तो समझ आ गया अच्छे से अभी ए डी एक्स क्या होता है एक और इंडिकेटर है ये राइट एक और नहीं ऐसे तो टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड इंडिकेटर्स होंगे हाँ। हाँ। मैं सब समझा दूंगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैंने क्या हुआ है कि बहुत से लोगों के सिस्टम पे देखा है ए डी एक्स भी रहेगा एम एस सी डी भी रहेगा स्टोकेस्टिक्स भी रहेगा आर एस आई भी रहेगा फिर इंडिकेटर में तीन चार मूविंग एवरेजेस रहेंगे बोलेंजा बैंड भी रहेगा सुपर ट्रेंड भी रहेगा और ये सब रहने से क्या होता है कि चार्ट जो है ना वो भी मुझे इतना सा दिखने लग जाता है हाँ। तो क्लैरिटी बोल के तो कुछ रह ही नहीं गया और उसमें भी वो बाय और सेल के सिग्नल डाल देते हैं तो मैं चार्ट को नीट एंड क्लीन रखती हूँ और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात है जैसे मैंने अभी एम एस सी डी बताया फिर ए एक्स पूछ लो ये सारे इंडिकेटर्स या सारे ऑसिलेटर्स एक साथ या मान लो हमेशा ए डी एक्स ही काम करेगा हमेशा एम एस सी डी काम करेगा ये कोई जरूरी नहीं है कभी इनके कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से आर एस आई खाली अकेला काम करता है आर एस आई विथ एम एफ आई काम करता है आर एस आई विथ ए डी एक्स काम करता है आर एस आई विथ बुलंजा बैंड्स हम यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह से हम मिक्स करके कभी कुछ कभी कुछ एज़ पर दिनारी यूज़ करते हैं अब ये जो चीज़ है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में हम एक ही को यूज़ करें टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट अगर हमारी प्रैक्टिस रहती है तो हमें पता रहता है कि कौन से टाइम पे और कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है ठीक है तो मतलब हर मार्केट सिनेरियो में हर इंडिकेटर काम करे ऐसा जरूरी नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है ठीक है जैसे हम खाने में भी हमको फ्लेवर्स चाहिए हम रोज-रोज सेम चीज खा सकते हैं नहीं खा सकते ऐसी <laughs> कोई बात नहीं है बोर हो जाएंगे पर वही है बहुत लोग एक ही चीज खाते हैं हां रोज लेकिन अगर तुम कॉमन में देखो तो थोड़ा बहुत तो टेस्ट चेंज होता है हम बोलते चलो आज संडे कुछ अलग ही खाया जाए हाँ। तो वो संडे वाली फील आ जाती है जैसे उसी तरह से ये जितने भी ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर है रोज रोज हर जगह सेम वो भी बोर हो जाते हैं बोलते नहीं इस जगह में काम नहीं करूँगा तो हमें <laughs> चेंज करना है। हाँ, समझ गई तो कभी जैसे बोले टाइल आर एस आई सेवेंटी के ऊपर चला गया एट्टी के ऊपर चला गया एट्टी फाइव के ऊपर चला गया वहां जाके वो फ्लैट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में मैं एडीएक्स का साथ उसको यूज कर लेती हूँ करेक्ट तो एडीएक्स इज वॉट एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इसमें एक होता है डायरेक्शनल इंडेक्स एडीएक्स जिसको हम बोलते हैं राइट hmm. right? और एक इसके साथ होता है डी आई प्लस एक इसके साथ होता है डी आई माइनस ओके डी आई मीन्स इसको डायरेक्शनल इंडेक्स भी बोलते हैं और डायरेक्शनल uh, इंडिकेटर भी बोलते हैं ठीक है ठीक है मतलब क्या है कि हमें तीन लाइन दिखेगी एक ए डी एक्स की दिखेगी एक डी आई प्लस की दिखेगी एक डी आई माइनस की दिखेगी ओके okay. ए डी एक्स किसके साथ जाता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अच्छा कभी वो प्लस के साथ जाएगा मतलब ये ट्रेंड बताता है बेसिकली कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ डायरेक्शन कहाँ है hmm. तो डायरेक्शन अगर डी आई प्लस है तो डायरेक्शन पॉजिटिव साइड बुलिश साइड या पॉजिटिव साइड के साथ जाएगा अच्छा। अगर डायरेक्शन माइनस है तो माइनस के साथ जाएगा ठीक है राइट right? तो वो घूम जाता है इट इज सेइंग दैट आई एम विद बुलिश और बेरिश मार्केट राइट नाउ ठीक है दैट वी कैन कम टू नो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होती है एडीएक्स जब बिलो ट्वेंटी रहता है तो हम उसको ट्रेंडिंग नहीं कहते हैं इसकी ट्रेंड स्टार्ट होती है ट्वेंटी के ऊपर ओके okay. और जहाँ से उसकी ट्रेंड स्टार्ट होती है ट्वेंटी फाइव के ऊपर थोड़ा अच्छा खासा स्पीड ले लेता है अच्छा लेकिन ये बहुत ही लैगिंग इंडिकेटर है ये मैं एडवांस में बता देती okay. हूँ मैं पर्सनली इसको सबसे ज्यादा कब यूज करती हूँ जब मार्केट का पता ही नहीं कि अब मार्केट कहाँ जाएगा मतलब कितना और यूफोरिया रह गया कितना और पैनिक आएगा Okay. क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ एक एडीएक्स ही है तो एडीएक्स को मैं लास्ट स्टेज पे यूज़ यूज़ करती हूं. अच्छा. करती अच्छा रेगुलर वे में नहीं या फिर मान लो अगर मुझे आ, right करने हैं, तो अगर 15 के आसपास हो हुँ. तो मैं थोड़ा एडीएक्स का सपोर्ट ले सकती हूँ तो इस तरह से मैंने कहा ना मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ले लेती हूँ तो अब यही चीज मैं आपको चार्ट पे दिखा देती हूँ तो अभी हम ये एक निफ्टी का चार्ट देखते हैं टाइम फ्रेम डेली जैसे मैं बोल रही हूँ कि टाइम फ्रेम डेली है क्यों क्योंकि दिख रहा है ब्लू, ब्लू हाईलाइटेड हाँ। है हैं तो यहाँ पे देखो अच्छा एक चीज और बताओ मैं है ना ज्यादा करके हायर टाइम फ्रेम पसंद करती हूँ अच्छा स्टेबल रहता है

एक एडी दिख रहा है ये एडीएक्स सिर्फ एक ही लाइन रहेगी ठीक है लेकिन इसमें अगर मैं डीएमआई यूज करती हूँ ना तो इसमें एडीएक्स भी रहता है और डी प्लस भी रहेगा माइनस भी, 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 भी रहेगा ठीक रहे है आपको तीन दिख रहा है हाँ। अभी सबसे बड़ी बात कलर कंफ्यूजन कन्फ्यूजन हाँ। तो देखिए सबसे कर देंगे ठीक करूंगी और सेटिंग क्या करूंगी तो स्टाइल सबसे पहले जो एडीएक्स है ना मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ और थिक कर देती हूँ अभी देखो ए डी अलग दिख रहा है यस ओके okay. अब आते हैं डी प्लस इसको भी थिक कर दें हाँ फिर आते हैं डी माइनस इसको भी थिक कर देते हैं ठीक है ठीक है हुँ. अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब ट्वेंटी के नीचे है ये ट्वेंटी के नीचे है ओके तो ऑलमोस्ट ये सारा पैरामीटर देखो ट्वेंटी के नीचे है। हाँ हाँ और एडीएक्स भी वहीं वहीं घूम रहा है यस yes. राइट यस yes. ये यहाँ पे आपको दिखेगा इस पे यहाँ पे देखिए और ये यहाँ पे इसके साथ में देखिए hmm. राइट यहाँ पे आप देखिएगा ओके okay. जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे पैरामीटर्स रहेंगे hmm. तो ये एडीएक्स की लाइन को मैंने टच किया तो कहाँ पे है थर्टी फोर थर्टी फोर दिख रहा है थर्टी टू थर्टी फोर हाँ थर्टी फोर यहाँ पे किया तो क्या दिख रहा है राइट right. तो ये 20 के नीचे आया हाँ. मतलब साइडवेज हो गया ये जो होता है ना मैं इसको राइटिंग के लिए यूज करती हूँ फिर क्या किया इसने क्रॉस किया हम्म अब यहाँ पे क्या हुआ ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया हाँ. मतलब डी आई प्लस ने डी आई माइनस को क्रॉस टेक ओवर कर लिया राइट तो एडीएक्स किसके साथ हो जाएगा ब्लू लाइन के साथ Blue line के साथ मतलब वो बता रहा है मार्केट ट्रेंड में आ गया अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया मतलब मतलब मार्केट बुलिश बुलिश अभी एडीएक्स किसके साथ है ब्लू लाइन के साथ है और मार्केट ऊपर जा रहा है हाँ एडीएक्स का लेवल क्या है 47 राइट यस कहाँ से इसने ट्रेंड पकड़ा कुछ 24 के अराउंड 18 20. तक देखो 18 है हाँ। एक मिनट ये 18 है अब देखो इसका मजा Hmm. तो जैसे ये फिर ट्वेंटी के ऊपर आता है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ओ। oh. तो वो डायरेक्शन बता रहा है तो अब मार्केट जो है हम जब आज डिस्कस कर रहे हैं तो मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई तो एडीएक्स और ये सब ऊपर तने हुए हैं hmm. क्या रेड लाइन ने टेक ओवर किया है ब्लू लाइन को नहीं अभी तक नहीं नहीं किया है ना तो यहाँ पे आके कभी कभी हम एडीएक्स का सहारा ले लेते हैं अच्छा और इसके साथ जब मैं बोलिजा बैंड मिक्स करती हूँ तो आपको दिखेगा कि बोलिंजर बैंड भी ऑलमोस्ट यहाँ करेगा ये ब्रेकआउट दे देगा अभी भी बोलिंजर बैंड को टच कर लिया यहाँ हाँ। पे भी अगर आप देखोगे तो जब ये इसके पास आया तो बोलिंजर बैंड मतलब ये बैंड जो है बिल्कुल सब एकदम नैरो हो गया है यहाँ पे हाँ, बैंड बिल्कुल नैरो स्ट्रेट हो गया है

तो समझ में आया कि कैसे चल रहा है एडीएक्स एडीएक्स जिस साइड में मार्केट जाता है ना उसी के साथ हो लेता है हाँ, समझ तो मैम इसमें हम एंट्री और एग्जिट कैसे आइडेंटिफाई देखिए ये जो है ना तुम कितनी बार भी पूछोगी मैं एक ही बात ये सपोर्टिंग टूल्स है इंडिकेटर ऑसिलेटर सपोर्टिंग टूल है जो आपको डायरेक्शन कंटिन्यूएशन का गाइडेंस देते हैं ठीक है इनके ऊपर एंट्री एग्जिट मत करना कभी भी एंट्री एग्जिट हमेशा प्राइस पे ही होगी God. हम ट्रेड क्या करते हैं इंडिकेटर ऑसिलेटर हाँ. no. कभी no. सुना है किसी को इंडिकेटर ऑसिलेटर बाय करते हुए सेल करते हुए प्राइस no. पे हम बाय सेल करते हैं हाँ, ना इंडिकेटर हाँ. ऑसिलेटर की वैल्यू पे तो हम सेल नहीं करते no. ना no. तो हम ट्रेड क्या करते हैं ऑन प्राइस okay. तो प्राइस में जब एक्शन आएगा तो हम एक्शन बोलेंगे अगर इंडिकेटर ऑसिलेटर में मूवमेंट वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट के लिए कि ये स्टैंड होल्ड योर पोजिशन ठीक है वी आर स्टिल इन द ट्रेंड वी आर मेनटेनिंग द ट्रेंड गोट इट समझ गई मैम बहुत लोग YouTube पे वीवैप के वीडियोस बना के फेमस हुए तो ये वीवैप है क्या और यूज कैसे हो फेमस है? का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फेमस होने के लिए वीवैप पे YouTube बनाएगा हाँ। ऐसा कुछ नहीं है ये एक मिथ है क्या होता है कि एक नया ट्रेडर आता है तो उनको एक जादू की छड़ी जैसी कुछ चाहिए कि इमीडिएटली मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे समझ में आ जाए कि मार्केट में करना क्या है तो उनके लिए एक बेसिक इंडिकेटर है वीवैक मतलब वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर अगर मार्केट है तो हम बाई करके सेल करेंगे और अगर उसके नीचे है तो हम सेल करके बाई करेंगे लोग उसको पंद्रह मिनट में यूज़ करते हैं मैं उसको वीकली में भी यूज़ कर सकती हूँ और वीकली में बहुत अच्छा चलता है अगर आपको चाहिए तो मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए वी वैप और यहाँ पे मैं क्या करूँगी मैं कैंडलस्टिक को लाइन चार्ट बना दूँगी ओके हुँ. और वी वैप में कलर चेंज कर देती हूँ सी द ब्यूटी ये अपर बैंड में हटा देती हूँ लोअर बैंड हटा देती हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर थिक कर देती हूँ एक तो और इसका कलर मैं चेंज करके लेट्स से रेड कर देती हूँ फॉर द टाइमिंग जिससे आपको दिख जाए कि रेड कलर ये है ओके okay? हाँ। अब मैं इसको वीकली में लेके जाती हूं अब आप देख रहे हो वीकली में क्या हो रहा है प्राइस यहां से वीवेप के ऊपर है एंड सी द ब्यूटी इन वीकली कहा से उन्नीस हजार के आसपास से लेके वीकली में देखो मैं वीकली में देखती हूँ अच्छा। लोग पंद्रह मिनट में देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई फेमस होने वाली बात नहीं है इट इज द मोस्ट सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इसको समझाना भी इजी है जैसे मैंने आपको तुरंत बता दिया हुँ। कि ये देखो ऐसे ऐसे है इज इट सिंपल यस अभी तक मैंने जो बाकी सब बताया उसमें आपको कितना ध्यान देना पड़ा इसमें इतना नहीं है इसमें सीधा सीधा आप इसके ऊपर देखते जाओ तो इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टूल इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब इसी पे बनाते हैं ये डिमांड है लोगों की क्योंकि सबको चाहिए इसलिए क्योंकि फटाफट समझ में आता है कि ऊपर और नीचे क्या करना है अगर इसके ऊपर है तो बाय करना है इसके नीचे है तो शॉर्ट करना है। जैसे एकदम सिंपल यहाँ पे देखो एकदम सिंपल फिर ऊपर गया okay. ट्रेड एंटर करना हो तो फिर कौन से पॉइंट पे कर ये लाइन हाँ। चार्ट है ये जो पॉइंट्स है ये क्लोज पॉइंट्स है ठीक है तो आप डे में जाके देख सकते हो जिस दिन आपको ओपन लो जैसा मिलता है मेरा वो स्टाइल अच्छा। जब तक कैंडल नहीं बोलेगी ना मैं नहीं करूंगी ठीक है राइट दीज ऑल टूल्स ऐसा कुछ नहीं है समझ गई तो मैम अब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में कुछ बताइए ओके इट्स ट्रेंड नाम में ही है <laughs> सुपर ट्रेंड अच्छा इन शॉर्ट ये भी एक इंडिकेटर है जो ट्रेंड बताता है कि hmm. ट्रेंड कंटिन्यू है कि ट्रेंड चेंज हो गई ओके इसको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज करती हूँ और इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम टेन और थ्री का पैरामीटर यूज करते हैं हुँ. Hmm. आप चाहें तो इन पैरामीटर्स को चेंज करके कोई भी अपने हिसाब से भी कर सकते हो एक्चुअली ये क्या है ये टेन जो है वो ए टी आर है ठीक है और थ्री जो है ये मल्टीप्लायर है ए टी आर मतलब मार्केट के अंदर मूवमेंट कितना है हाई लो का वो डिफरेंस और बाय डिफॉल्ट फोर्टीन का जैसे पैरामीटर है हुँ. मतलब फोर्टीन पीरियड हाँ फोर्टीन पीरियड का वो ये एवरेज एटीआर लेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा थ्री से अच्छा वो हम सब देख सकते हैं एवरेज ट्रू रेंज मतलब। okay. बहुत फास्ट में हो जाएगा फटाफट हिट हो जाएगा अच्छा। तो जनरली बाय डिफॉल्ट टेन और उसका थ्री मल्टीप्लायर के साथ यूज होता है तो अब यही चीज मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ इंडिकेटर सुपर ट्रेंड और सबसे पहले सेटिंग्स में जाऊंगी मैं बैकग्राउंड हटा देती हूँ एज यूजल ठीक मुझे थिक इसलिए रखना पसंद है देखो कितना आराम हाँ, से आया है वॉट इट इज टेलिंग मी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस राइट आप ग्रीन और रेड देख रहे हो हाँ. मैं रेड को बोलूंगी रेजिस्टेंस ठीक है और रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो उसके बाद चला जाता है hmm. फिर क्या होता है ग्रीन लाइन नीचे आ जाती है जो सपोर्ट का काम करती है ओके okay. राइट right? hmm. और मार्केट जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रही है बिकॉज ए hmm. जो है वो उसको ऊपर लेके जा रहा है hmm. यहां पे आके फ्लैट हो गया hmm. फ्लैट हो गया मीन्स मार्केट जो है थोड़ा बट okay. मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा बिलो दी अब इसको हम सेटिंग्स में देखते हैं तो इनपुट्स देखते हैं दिख रहे टेन इन टू थ्री तो ये बाय डिफॉल्ट ठीक है ओके okay? हम हम कोई भी डिफॉल्ट पैरामीटर चेंज नहीं करते okay. इसको अब मैं इसको ये डेली है हुँ. इसको वीकली कर देती हूँ मान लो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ तो मैं यहाँ पे कब बाय करूंगी जब ग्रीन लाइन नीचे आ जाएगी राइट right? हाँ. उसके बाद उसका हाई क्रॉस करेगा प्रीवियस जो कैंडल क्लोज हुई है ऊपर हाँ. उसका हाई क्रॉस हाँ। करेगा तब अच्छा मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और आपने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी कि

ओके okay, इसको लोग वन आवर में करना चाहें तो सी नाउ सी द फ्लक्चुएशन इन वन आवर वॉलिटिलिटी काफी राइट right, अब इसको मैं पंद्रह मिनट में लेके जाती हूँ तो जितना मैं लोअर पांच मिनट में लेके जाती हूँ ठीक है जो ट्रेडर्स होते हैं ना डे ट्रेडर्स स्कैल्पर्स हाँ इसको मैं वन मिनट में भी लेके जा सकती हूँ बट जितना मैं लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगी ना ये देखिए ये जो मूवमेंट आते हैं ना ये हालत खराब करके जाते हैं <laughs> आपको दिखता है इतना पैनिक दिख रहा है hmm. वो अचानक से आया स्टॉप लॉस गया तो इसलिए मैं थोड़ा डे दे में देखना पसंद करती हूँ कि ओवरऑल जो है आराम से चल रहा है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ ओके दिस इज हाउ अ वेरी वेरी सिंपल वे आई यूज इट इज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड देन एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सपोर्ट Got it. और ट्रेलिंग रेजिस्टेंस जैसे अभी यहाँ पे आया यहाँ से मार्केट ऊपर गया हाँ मेरा शॉर्ट यहाँ पे कहीं हो गया होगा यहाँ पे हम्म लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है हाँ अभी नहीं हुआ है राइट right? उसके नीचे नहीं गया लेकिन यहाँ पे आके यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया और बाय में आ गई ओके okay. जो अभी तक चल रहा है राइट दिस इज हाउ इट वर्क्स काफी यूजफुल टूल लग रहा है ये देखो ऐसा है यूजफुल तो जब आपको जो यूज करना हाँ। है वो यूजफुल लगता है अब इस ये है कि यूजफुल तो है ही ऐसा तो नहीं है यूजफुल नहीं है सब चीज यूजफुल लेकिन आप किस में मास्टरी करते हो कौन सा आपको सिंपल लगता है कौन सा आपके ट्रेडिंग टेम्परामेंट को सूट करता है वो सब भी तो देखना पड़ता है अब मान लो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं टू वन एट नाइन फोर और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्वेंटी वन थाउजेंड के पास में तो आप बोलोगे अरे ये तो सात सौ आठ सौ पॉइंट चला जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था लेकिन सात सौ सौ पॉइंट निफ्टी में छोड़ देना हाँ। किसी के बस की बात है नहीं तो वो जो चीज़ है देखने में बहुत ब्यूटीफुल है फिर वो ट्रेलिंग स्टॉपलॉस वो आपको करना है क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है ना जब तक सपोर्ट नहीं तोड़ेगा मैं इसको बेच तो वापस सकती नहीं हूँ ना राइट रूल इज अ रूल फॉर मी मैं आप शॉप लेके बैठे हो तो इमोशनल बन जाते हो कि हाँ भाई इसको मैं अपने दे दूस कोई भी रेट पे नहीं। जो फिक्स प्राइस है वो ही दोगे ना इमोशंस हाँ। आते हैं बीच में नहीं, नहीं।, नहीं। कहीं पे भी आपको कोई भी इमोशंस ऑफिस जाते हो अपने टाइम से ड्यूटी पे जाते हो टाइम से आते हो राइट ऐसा कुछ होता है नहीं नहीं चलो आज बॉस के लिए मैं पाँच छह घंटा एक्स्ट्रा काम कर दूँ <laughs> <नहीं। laughs> क्यों कर देने का गुड <laughs> क्वेश्चन ना हाँ ah. तो वहां कहीं हमारे इमोशंस काम नहीं करते तो मार्केट में हम भर भर के इमोशंस लेके आते हैं क्यों यहाँ पे भी वही सिस्टम जो बता रहा वैसे है वैसे काम करो सिस्टम yeah. जो भी फॉलो करो ना उसको रिलीजियसली जेनुनली सिस्टमैटिकली फॉलो करो समझ गई मैम yeah. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आपको कुछ सीखने मिले तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपके सामने कौन से वीडियोस लेकर आने हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्योतिबुद्धिया मैम का नॉलेज सभी तक पहुंच पाए थैंक यू ज्योति मैम ये सेशन काफ़ी अच्छा था काफ़ी इंसाइटफुल था क्योंकि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के बारे में मुझे पता चला और मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने मिला बिल्कुल और मैं तो व्यूअर्स से ये भी कहूँगी कि अगर उनको और सीखना है कुछ उनकी क्वेरी है तो लिखे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर से एक और सेशन कर लूँगी उसमें क्या है आप क्वेरीज पूछते जाओ मैं सेशन करते जाऊँगी थैंक यू सो मच आप मुझसे जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो हाँ बढ़िया है थैंक यू मैम